जी जनाब, मैं वापस आ गया। सॉरी, असल में यहाँ पे लाइट जा चुकी है, जो कि ये काफ़ी देर से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ब्रेक हो चुका है, तो मैं इस वक्त अपने मोबाइल से ऑन हूँ। ठीक, तो वापस आ जाते हैं, हम स्क्रीन शेयर करते हैं और पूरा इसको ज़रा जल्दी कर लेते हैं, इससे पहले कि ये बैटरी, क्योंकि थोड़ी थी अभी चार्जिंग शुरू हुई थी। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, वाईफाई पासवर्ड जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि जब आप किसी पब्लिक प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो वो आपका कोई ना कोई डाटा ले रहा होता है। इसी तरह से मोबिलिंग, या अगर टेलीनॉर है और यूफोन है तो वो आपकी यूजेज पैटर्न्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए देर इज नथिंग लाइक फ्री, कोई चीज़ फ्री नहीं, देर आर नो फ्री मील्स। तो ये अपने जहन में ये बात क्लियर रखिएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगली बात, पासवर्ड जो है वो यूनिक होने चाहिए फॉर ईच अकाउंट। फेसबुक का पासवर्ड अलहदा, ट्विटर का अलहदा, स्नैपचैट का अलहदा। अच्छा, अब आप कहोगे इतने सारे पासवर्ड याद कैसे करेंगे, खैर उस पर बात बाद में करेंगे। पासवर्ड को जो खूबियां हैं वो ये है कि आपने सबसे पहले पासवर्ड की जो फैसिलिटीज हैं वो अपने जहन में रखनी है, कि आपने जो पासवर्ड है उसको लेंथ ही रखना है, 8 करेक्टर मिनिमम। ठीक है, उसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल करेक्टर्स, नंबर्स यूज करना है। फिर उसके अलावा उसमें आपने कॉमनली यूज्ड वर्ड्स यूज नहीं करने, क्यों? क्योंकि कॉमनली यूज वर्ड्स आर इजी टू गेस। ठीक है, यहाँ पे अब क्या है, ये एक स्लाइड हमने यहाँ पे देखी, इसमें वो सारी बातें हैं, 10 और मोर करेक्टर्स, 8 और मोर, 8 इज गुड। ठीक है, वो जो हमने बात की थी ना कि ब्रूट फोर्स अटैक कितने ट्राइज करेगा तो उसके बाद जाके की मिलती है, तो ये वही वाली बात है यहाँ पे। ठीक है, अब कोई ऐसी चीज हो, शुड बी मीनिंगफुल। अब यहाँ पे NIST की गाइडलाइंस हैं, ये थी वैसे नॉमिनल गाइडलाइंस। ठीक है, और यहाँ पे NIST, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड्स, उन्होंने कहा जी 8 करेक्टर्स मिनिमम हो, 64 से ज्यादा ना हो, कॉमन गेस पासवर्ड्स ना हो। ठीक है, ये अभी से 10 मिनट्स में रह गए, अभी तो शुरू हुई थी बात। चलो, उसके बाद आपने कंपोजिशन कुछ चीज़ों की करनी है, अपर और लोअर केस मिला के। ठीक है, तो नॉलेज बेस अटैक उस पर ना हो सके, और ऐसी चीज़ ना हो जो कि नॉर्मल, जैसे दिस इज माई पास फ्रेज, ठीक ही था। फिर अ कैट दैट लव्स डॉग्स इज गुड, इसमें अब स्पेशल करेक्टर आ गया तो ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, ये लैब है इसके हवाले से, ये आपने खुद बनानी है। फिर एनक्रिप्शन कर सकते हैं। एनक्रिप्शन क्या है, एनक्रिप्शन ये है कि आपके जो फोल्डर्स हैं, जो फाइल्स हैं, वो आप ही उसको रीड कर सकें। ठीक है, ये हमने जो एनक्रिप्शन पढ़ी थी ये वही है। ठीक है, जो हमने इंक्रिप्शन पढ़ रहे हैं अभी तक, सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन, ये वही चीज़ है, लेकिन इसमें आप वो चीज़ हो रही है आपके डेटा के साथ। ठीक है, ट्रांसमिशन नहीं हो रही उसकी, लेकिन वो वहीं पे की जा रही है। ठीक है, ये कैसे करते हैं इसको देख लीजिए। फिर दूसरा केस है, डेटा को बैकअप करें, बल्कि तीसरा, पासवर्ड थे, फायरवॉल था, पासवर्ड था, एनक्रिप्शन और बैकअप डेटा। अब बैकअप क्या करें, बैकअप आप करके रखें किसी एक्सटर्नल डिवाइस पे, अपने कंप्यूटर के अंदर अगर सी से डेटा डी में लेके जाते हैं वो बैकअप नहीं है। ठीक है, क्यों करते हैं बैकअप, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ इररिप्लेसेबल डेटा। ठीक है, और इसके लिए आपको एडिशनल स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है, आप रेगुलरली जो है वो डेटा को कॉपी करें वहाँ पे, रेगुलर बैकअप्स लें, और बैकअप्स होने चाहिए ऑटोमेटिक। लोकली आप नेटवर्क पे रख सकते हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रख सकते हैं, सीडी डीवी, थंब ड्राइव पे या टेप ड्राइव पे रख सकते हैं। ठीक है, क्लाउड में अब आपको फैसिलिटीज मिल गई हैं, जैसे ड्रॉप बॉक्स हो गया, गूगल ड्राइव हो गया, अमेजोन की S3 सर्विस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप रख सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें बैकअप एंड सिंक का, वो एक फोल्डर बना लें, उस फोल्डर में जो डाटा रखेंगे वो इधर भी रहेगा और क्लाउड पे भी रहेगा, तो ये ज़्यादा अच्छी फैसिलिटी आ गई है। लेकिन कुछ केसेस में आप कॉन्फ़िगरेशन बैकअप नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल IIS की कॉन्फ़िगरेशन थी, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ था, ईमेल सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ था, उसका डाटा ही बैकअप होगा ना, अब वो पूरी सेटिंग्स तो उस तरह से बैकअप नहीं हो रही। ठीक है, कर सकते हैं लेकिन फिलहाल नहीं हो रही, तो उसके लिए ये कि आप अपने पास लोकल बैकअप रखें। फॉर एग्जाम्पल आपका टोटल डाटा, जैसे मेरा डाटा था इस वक्त 250+ GB जो है वो गूगल ड्राइव में अपलोडेड है,
अब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, मेरा जो ऑफिस का कंप्यूटर है जिसके अंदर मैंने उसको मैप किया हुआ, अगर खुदा ना खास्ता वहाँ से डाटा लॉस होता है, मेरी हार्ड डिस्क लॉस होती है, और मैं कहता हूँ जी गूगल ड्राइव से ही डाटा वापस आ जाए, और मुझे कोई ऐसा डाटा चाहिए था जो कि बहुत अर्जेंटली चाहिए था, और वो गूगल ड्राइव से चूंकि 250 GB है, 250 GB आने में पता चलता 3 दिन लगते हैं जब UMT में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो अब मैं तो वहाँ पे क्या करूँगा, नुकसान उठाऊंगा, 3 दिन 4 दिन वेट करूँगा। अगर वो मैंने लोकल ड्राइव पे किसी के ऊपर कॉपी किया होगा तो मेरे लिए जल्दी हो जाएगा उसको एक्सेस करना, ठीक है। तो इसलिए लोकल भी रखें, वो मैं आपको एक वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा, 3-2-1 बैकअप, वो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल स्टोरेज पे आप कैसे डाटा बैकअप करते हैं? अच्छा, बैकअप करना कॉपी करने से थोड़ा सा फ़र्क है। बैकअप जब आप विंडोज़ में करते हैं तो एक होता है फुल बैकअप और रहता है पार्शल और एक होता है इंक्रीमेंटल, ठीक है। फुल में पूरे वो फोल्डर ये डिस्क जाती है, और इंक्रीमेंटल में पार्शल में उसका हिस्सा जाता है, और ये इंक्रीमेंटल में फर्स्ट टाइम फुल होता है और उसके बाद जो चेंज आता है वो बैकअप किया जाता है। फॉर एग्जांपल ओरिजिनल फाइल थी 10 MB की, ठीक है, फर्स्ट टाइम वो हो गई फुल बैकअप, ठीक है। फोल्डर था 10 MB का था, उसके अंदर 50 फाइल्स थी, तो वो पूरा का पूरा फोल्डर चेंज होगा, बैकअप होगा। फिर आप अगर उसमें चेंज आता है, वो 50 फाइल में से एक आप डिलीट कर देते हैं और फाइल का साइज 11 MB हो जाता है पूरे फोल्डर का, तो वो सिर्फ डिलीट वाला चेंज कॉपी होगा, ठीक है। और पार्शल में ये इंक्रीमेंटल था, और पार्शल में क्या होगा कि आप कहते हैं नहीं जी ये 50 फाइल है इसमें से ये आखिरी 10 बैकअप ना करें, तो ये पार्शल है। तो ये आप सेटिंग्स बाय डिफॉल्ट कहाँ से कर सकते हैं जी, आप सिर्फ रन में जाके लिखे हैं बैकअप एंड रीस्टोर, तो वो जो आपको एक फाइल जनरेट करेगा वो .bkf होगी, मेरे ख्याल bkf होगी शायद, या bkp होगी, तो वो बैकअप फाइल आपको बना देगा, और फिर वो बैकअप फाइल आप किसी भी सिस्टम पर जाकर रिस्टोर कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल ने, अब मोबाइल में होती हैं आपके पास फैमिली फ़ोटोज़ होती हैं, ठीक है, और मोबाइल आप बेचते हैं, आप नहीं चाहते कि जनाब उसमें वो चीज़ इस्तेमाल हो सके, मतलब वो दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट हो सके, तो कुछ टूल्स अवेलेबल हैं, एस डिलीट है, सिक्योर एम्प्टी ट्रैश है, ठीक है, इसी तरह से सी गेट का जीरो ड्राइव फिल रिकवरी करके नाम से शायद सॉफ्टवेयर था, वो क्या करते हैं, वो उस डाटा को अनरीडेबल बना देते हैं, रिकवर नहीं किया जा सकता। तो आप जब ऐसी कोई चीज़ें अपनी हार्ड डिस्क पर बेचते हैं कि ये नई लेनी है, तो आप उसको इन सॉफ्टवेयर को यूज़ करें, और सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद आप क्या करें कि उसको अनरीडेबल डाटा को बना दें, ठीक है, और ऑनलाइन वर्जन को भी डिलीट करें साथ साथ। हु ओन्स योर डाटा, ये एक चीज़ है। अब यहाँ पे सिक्योरिटी के हवाले से एक और बात है, हम में से काफ़ी लोगों ने 2FA अप्लाई किया होगा, जिसको हम कहते हैं 2-Factor Authentication, ठीक है। जैसे जीमेल है, फेसबुक है, वो आपको देते हैं 2FA, एक यूज़र नेम, एक पासवर्ड है, और एक साथ आपको की देते हैं, वो की आप यूज़ करते हैं तो आप लॉगिन होते हैं। तो 2FA में क्या है, ऑनलाइन सर्विसेज आपको 2FA देती हैं, उसमें क्या है, एक यूजर नेम पासवर्ड है, और दूसरी जो आपके पास चीज़ पोजेस आप करते हैं, व्हाट यू नो एंड व्हाट यू हैव, जो हैव वाला पार्ट है वो आपका फिजिकल ऑब्जेक्ट है, मतलब आपका थंब प्रेशन है वो है आपके पास, दैट इज फिजिकल टू यू, द पासवर्ड इज नोन बाई यू, ठीक है। इसी तरह से ATM पे आप जाते हैं तो ATM पे आपका पास कार्ड है जो आपके पास फिजिकल आपको ऑथेंटिकेट करता है, और दूसरी पिन है जो आपको मेंटली ऑथेंटिकेट करती है, तो दो चीज़ें कम्बिनेशन से बैंक आपको ऑथेंटिकेट करता है वाकई आप हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आयरिस से भी काम किया जा सकता है, वॉइस रिकग्निशन से किया जा सकता है लेकिन करते नहीं है, थंब इंप्रेशन से किया जा सकता है, ठीक है, मोबाइल के ऊपर वो जो आप गूगल ऑथेंटिकेटर की ऐप करते हैं उससे किया जा सकता है, ठीक है। तो ये 2FA में काम होते हैं, आपके मोबाइल पर कोड भेज के किया जा सकता है, आपके ईमेल अकाउंट के ऊपर ईमेल भेज के किया जा सकता है, आप पासवर्ड दें तो आपको ईमेल जाए, और ईमेल जाने के बाद वहां पे जो कोड हो वो एंटर करें तो आप ऑथेंटिकेट हो, तो ये चीज़ है। दूसरा तरीका कार्य एक और है, वो है ऑथेंटिकेशन 2.0। ये चीज़ें आपको आसान जुबान में समझाने के लिए आप ऑप्शन देखी होगी कई वेबसाइट्स पे, लॉग इन विद फेसबुक, ये वो ऑप्शन है। फेसबुक से आप कहते हैं जी टोकन जनरेट करो, टोकन होता है उस वेबसाइट के लिए जनरेट होता है, आपको एक्सेस डायरेक्ट मिल जाती है, आपने ना यूजर नेम पासवर्ड लिखा, एक्सेस भी आपको मिल गई, ठीक है। तो ये एक तरीका कार है। आखिरी दो स्लाइड्स रह गई, ये तो मैं वैसे कहता रहता हूँ क्लास के दौरान, तो आसान चीज़ है।
डू नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन, डू नॉट शेयर योर इन्फॉर्मेशन, ठीक है जी, दैट्स इट, इतनी सी कहानी। इसके बाद जब किसी पब्लिक कंप्यूटर को यूज करें तो वहां पे इन प्राइवेट मोड में देखें। आप क्लास में अगर देख रहे होते तो क्लास में जब भी मैं लॉग इन करता हूँ इनकॉग्निटो पे होता है, शॉर्टकट की क्रोम में कंट्रोल शिफ्ट एन, इंटरनेट एक्सप्लोरर में मोज़िला, फायरफॉक्स में कंट्रोल पी, सफारी का मुझे पता नहीं, मैं यूज नहीं करता, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। तो ये वाली जो आखिरी लैब है, डिस्कवर योर रिस्की ऑनलाइन बिहेवियर, आप ऐसी क्या गलती करते हैं। ये तो था जनाब आज का लेक्चर, अभी 2 मिनट रह गए हैं, 2 मिनट से पहले मैं इसको खत्म करूंगा और दोबारा से सेम लिंक के ऊपर मिलूंगा, क्योंकि इसके बाद आपके क्वेश्चन होंगे जिसको मैंने आंसर करना है, ठीक है। बैटरी में बस थोड़ी है तो जरा जल्दी आना, बल्कि इसको भी स्टॉप करता हूँ दोबारा से स्टार्ट करता है, ठीक है जी। ओके, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, विल स्टार्ट नाउ अगेन, बिस्मिल्लाह।